हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को, उसी के राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन शेष है, तो आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान के कुल 68 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने इन 68 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का, 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दर लगभग कितनी होती है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? 380 से 420 nm। वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मक्खन एक किसका उदाहरण है? निलंबन, कोलाइडल घोल, पायस मिश्रण। मक्खन जो है ना गाइस, ये पायस का उदाहरण है, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। एसएम सॉल्ट ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वर्ष 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मुइर, मदन मोहन मालवीय। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना सर विलियम मुइर के द्वारा की गई थी, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है पश्चिम बंगाल, डी है असम। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश। किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, वर्ष 1930 में सीवी रमन ने खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? भौतिक शास्त्र। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आठवां क्वेश्चन, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विस्टली टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज जो है ना कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। दसवां क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मलक्का जलमुर्दम, पाक जलमुर्दम, सुंडा जलमुर्द या मलिक कुंदु। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पाक जलमुर्दम। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा, बेरूत। कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। मनामा जो है ना, ये बहरीन की राजधानी है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, खालिस्तान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? सुषमा स्वराज, बी है मीरा कुमार, सी है प्रतिभा पाटिल, डी है सुमित्रा महाजन। बताइए क्या आंसर होगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी ये आपको बताना है। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी ऑप्शन नंबर वी, मीरा कुमार। 13वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? झांसी, बी ए हैदराबाद, सी ए दिल्ली, डी ए मेरठ। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? मेरठ में हुआ था। तो डी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। दैनिक भास्कर, उदंत मार्द्रण, पत्रिका देशबंधु। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उदंत मार्द्रण। 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना, लर्मा रोजो, एराइस तेज, अंकुर। लर्मा रोजो, बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन हमारा है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो ये तैयार किया था वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु। लावड़ी जो है ना गाइस, ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन, 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज वॉकर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। ए ऑप्शन करेक्ट। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाशनाथ काटजू, वी के कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत राय चव्हाण। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे ये आपको बताना है। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा, वी एस साबरमती, सी ए तापी, डी ए माही। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो जो भी बच्चे ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोष, पुष्प योनि। पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, परागकोष आपका सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कि अंडाकार या गोलाकार होता है? इस जीवाणु का नाम है कोकस, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? एनवियोमीटर, वेवामीटर, यूडियोमीटर, पिकनोमीटर। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पिकनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वां वेग घाट पर किए जाने वाले 10वां वेग यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? विष्णु, ब्रह्मा, शिव, काली, देवी काली।
भगवान ब्रह्मा, बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। परमवीर चक्र, वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, खालिस्तान, किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, इस्माइल मर्चेंट। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ये पुस्तक इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है, तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून या 11 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, रोजर व्रेकन, सर फ्रैंक विटल, जेम्स वॉट, लुइस एडिसन, वाटरमैन। जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल के द्वारा किया गया, तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिप रेखा, मेडिसन लाइन, डुरंड रेखा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रेड क्लिप रेखा। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, राजा राम, संभाजी, साहू, बाजीराव। राजा राम आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, खालिस्तान, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, पुली कुकली, राउत नाच, डालू कुनिता, घुमरा। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, घुमरा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस। फिलीपींस आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं, 30, 20, 15 या 25। इसमें कुल महिलाएं 15 शामिल थीं, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा की गई थी, खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, सी ए अशफाक उल्ला खां, डी ए यतेंद्र नाथ दास। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, अशफाक उल्ला खां। अगला क्वेश्चन, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा खालिस्तान किसके द्वारा बनवाया गया था, पृथ्वीराज चौहान, वी आर राय, उलर भट्टी, सी ए सवाई प्रताप सिंह, डी ए रानी पद्मनी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, सवाई प्रताप सिंह, सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, मेक्सिको। पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी खालिस्तान किसके द्वारा की गई, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। इसकी मेजबानी चीन के द्वारा की गई, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताशय। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, देखिए यहाँ से आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखेगा। जोधपुर में राठौर वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी, बप्पा रावल, राव जोधा, राव सिहा, लाखा। जोधपुर में राठौर वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी, यह आपको बताना है। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, राव सिहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेगो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? अकबरयान, शक्तिदान ठाकुर, रामनारायण चौधरी, ताराचंद। रामनारायण चौधरी, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तारागढ़, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हो रहा है, रणथंभौर दुर्ग होगा या चित्तौड़गढ़ होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपुताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? मथुरादास माथुर, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, अर्जुनलाल शेट्टी। रामनारायण चौधरी, सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? मानसिंह, माधो सिंह, जय सिंह, जगत सिंह। मानसिंह, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, हमारा चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र था? रघुवाड़ी, श्रीनाथ जी का मंदिर, भैरव पोल, विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है विजय स्तंभ, डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगैस, 45वां क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला था? माउंट आबू, कोटा, नसीराबाद, बांसवाड़ा। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नसीराबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दक्षिणी पूर्वी भाग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजयदान देथा, सुंदरदास। कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? किशोरी बालिकाओं की शादी है तो सहायता करना, बी किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, सी किशोरी बालिकाओं को रोजगार प्रदान करना, डी मुक्त शिक्षा देना। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, बगेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरक व चिकारा आदि पाए जाते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। सी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रणथंभौर अभ्यारण्य आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमारा है गाइस, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व या दक्षिण। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, दक्षिण पूर्व आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अरावली क्षेत्र, अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? नाग पहाड़, अचलगढ़, शेर सिरोही, कुंभलगढ़। अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है ये आपको बताना है, शेर सिरोही। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह शहर है मकराना, जैसलमेर, कोटा, जोधपुर। जैसलमेर, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? क्रोमाइट, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट। अब्रक आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, एक तरफ है सहायक नदी, दूसरी तरफ है नदी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। अब देखिए सुमेल कैसे करना है, सावनती का वाकल से हो जाएगा, कालीचंद का प्रबंध से हो जाएगा, लूनी का जवाई, माही का सोम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है? आमेर, सागानेर, कोटपुतली,
कैथून। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सागा नहर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध, मुरल बांध। बनास नदी पर कौन सा बांध है ये आपको बताना है। तो देखिए बनास नदी पर बीसलपुर बांध है, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, बी है राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान पंजाब, डी है राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। ऊंट अपने कोबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? जल संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए, मरुभूमि की बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तापमान के नियमन के लिए। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, बसा के संग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पद्म भूषण जगदीश सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू। इनका संबंध श्रीगंगानगर से है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा थी? पगड़ी, अंगरखिया, दुपट्टा, ये सभी। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खुजराव निम्न में से किसे कहा जाता है? आबूनाथ जी का मंदिर, अंबिका देवी का मंदिर, किराडू मंदिर, सास बहू का मंदिर। राजस्थान का खुजराव निम्न में से किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। किराडू मंदिर को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं लू, मावट, आर्द्रता, शुष्क। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है, बनास, संबल, माही, लूनी। वह नदी जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माही नदी। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु शक्ति गृह रावत भाटा ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, बी ए जोधपुर, सी ए चित्तौड़गढ़, डी ए प्रतापगढ़। परमाणु शक्ति गृह रावत भाटा जो है ना ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? भरतपुर, बी ए हनुमानगढ़, सी अलवर, डी ए बीकानेर। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना हनुमानगढ़ जिले में होता है, तो बी ई ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है, डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में सबने स्थापित करता है जिलाधीश, संभागीय आयुक्त, जिला जज, जिला प्रमुख, बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके और सामान्य ज्ञान के कुल 68 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 68 में आपको 60 क्वेश्चन के सही जवाब बताने हैं, तो 68 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के सही जवाब बताए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।